सुन ले सदा। आयशा बेटा बस करो, थक जाओगी तुम। मैं नहीं थकूंगी अम्मी जी, जो आपकी खिदमत करके ना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे। बेटा अपने सुकून के लिए उनका शोल्डर निकाल कर उन्हें बेसुकून न कर देना। अबू जी भाई अम्मी जी एक बात बताएं, ये आप कब बात करेंगी चाची से? बोले ना उन्हें कि एहतिशाम भाई की और आपी की मंगनी करनी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं खुद से उनसे कैसे बात करूं? अरे नाजिया खुद बात करेगी तो उसे कहूंगी ना कोई सादे तरीके से, बस हल्की पुल्की सी मंगनी कर ले। जबेरिया ठीक कह रही, नाजिया से बात करो। अच्छा है दोनों बच्चों की तकरीब हो जाए, खानदान वालों को भी पता चल जाएगा और अगले साल शादी कर देंगे। शादी? ओए ओए क्या बात है, मैं आती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं आपी? ये देखें इतनी जल्दी शर्मा गई, हद होती है। मेरी बेटी है इतनी शर्मीली, वो तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं है। बाप के सामने तुम्हारी कैसी टट्टर जबान चल रही है। मैंने क्या कहा भला, मैंने कुछ गलत कहा है? अम्मी बताएं ना कब करेंगी चाची से बात, घर में कोई फंक्शन हो जाएगा और इसी बहाने में नया सूट भी ले लूंगी, पर्स मैचिंग का और चप्पलें मेकअप सब कुछ। अच्छा तो यूं कहो तुम्हें नए जूते कपड़े चाहिए है ना, मंगनी की तुम्हें कोई खुशी नहीं है। एक मेरी आयशा है, उसने कभी कुछ नहीं मुझसे मांगा, मैंने जो दिया सबर शुक्र करके उसने पहन लिया, कभी खुद से कोई फरमाइश नहीं की उसने। अब्बू जी क्या मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि आप मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, लेकिन उसका मिजाज जरा सा मुख्तलिफ है, वो बचपन से बहुत संजीदा है। कोई संजीदा नहीं है, आप ही के अंदर एक बुढ़ी रूह है। तुमसे ज्यादा अच्छी है वो। अच्छा मुझे बता महानूर कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही है। वो अपना होमवर्क कर रही है। अब्बू जोड़ा पक्का? वो तो अपने सूट की पड़ी हुई है। अस्वत मुझे लगता है वो लड़की कोई जादू करती है। जादू? हाँ खुद ही तो तुमने कहा था उसकी वजह से तुम्हारा इतना लॉस हुआ था, और क्या हुआ, उल्टा प्रॉफिट हो गया, और वो तारबू की नजर में अच्छी भी बन गई। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। अस्वत मुझे लगता है कि तुम्हें ना उससे बच के रहना चाहिए। क्या मतलब है, कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ भाई अगर इसी तरह चलता रहा ना तो वो तायाबू की गुड बुक्स में आ जाएगी, और अगर तायाबू ने उसे तुम्हारे मत मुकाबिल खड़ा कर दिया तो फिर क्या करोगे तुम? क्या यार अस्वत तुम हंस रहे हो? बिल्कुल पागल हो तुम। कहां अस्वत शकील और कहां वो आयशा? और ये बिजनेस ना ये हमारा है उसका नहीं है, और वैसे भी आयशा जैसी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो फिर जनाब को कैसी लड़कियां पसंद है? बता भी दो। अस्वत ये क्या तुम सोच रहे हो? शायद तुम्हारी जैसी। इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो? Of course, अनुषे तुम मेरी कजन हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो,
तुम्हें नहीं पसंद करूंगा तो किसे करूंगा? खट्टी आपको पता है आप ही, हर मर्द अपनी बीवी की शक्ल में ना आप जैसी लड़की चाहता है। बाहया, सलीका शौहर, बापर्दा और इतनी प्यारी। जबेरिया ठीक कह रहे, नाजिया से बात करो, अच्छा है दोनों बच्चों की तकरीब हो जाए, खानदान वालों को भी पता चल जाएगा और अगले साल शादी कर देंगे। आयशा तुम यहाँ हो बेटा, मैं तुम्हें कमरे में तलाश कर रही हूँ। क्यों अम्मी, कोई काम था? बेटा कल तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओगी? हाँ मैं आ जाऊंगी जल्दी, लेकिन वजह? बेटा मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, जवेरिया को ले जाना ठीक नहीं है, उसके पेपर भी हो रहे हैं और तुम्हें तो रास्तों का भी पता है ना बेटा। मैं सर स्कूटी पे जाएंगे? ना बाबा ना, ऑटो करवा लेंगे। ठीक, आप अपने दोस्त से एड्रेस मंगवा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा वो जो मैंने जोड़ा उसको देना ना, वो तो देख लो बेटा। किसको ढूंढ रहे हैं? और ये पीछे क्या छुपा रहे हैं? वाह इतना खूबसूरत, ये तो बहुत ही प्यारा है, क्या बात है। अच्छे लगे तुम? अच्छे, बहुत अच्छे लगे। और आप तो कलर ब्लाइंड भी निकले, इतने खूबसूरत रंग हैं। इस तोहफे के लिए एडवांस में शुक्रिया, और आप समझें कि आपका तोहफा पहुंच गया। जी भाभी, आसिफ भाई ने मुझसे बात की थी और मैं भी यही चाह रही हूँ कि दोनों बच्चों की कोई रस्म कर लें। कितना अरसा हो गया ना, हमारे घर में कोई फंक्शन ही नहीं हुआ। जब ये बच्चे छोटे थे तो कभी इनकी सालगिरह, कभी किसी की बिस्मिल्लाह। बस अब जल्दी से कोई फंक्शन रख लेते हैं। अच्छा तुम एहतशाम से ना पूछ लो कौन सा दिन रखें, क्या तारीख रखें, फिर मुझे बता देना। ठीक है भाभी, मैं एहतशाम से बात कर लेती हूँ, इसी बहाने रिश्तेदारों को भी पता चल जाएगा। चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या कर रही हो? अब कुछ नहीं, बस वो कल का असाइनमेंट था। ये कौन है?
बोझ हो तो जाने। नहीं पता। आप ही आपको सच में नहीं पता? नहीं। एहतिशाम भाई लेकर आए आपके लिए बुके, मोहब्बत की पहली निशानी। सच्ची? आप ही मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? एहतिशाम भाई आपके लिए लेकर आए, अब जाएं जाके उनका शुक्रिया अदा करें। ये वक्त बार बार नहीं आता। मैं तो कहती हूँ इस लम्हे को कैद कर लिया एहतिशाम भाई के दिल में और अपनी आंखों में। दिखाएं, मुझे भी तो दिखाएं ना। नहीं। कितने अच्छे हैं ना। वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बेड के पास भी रखूंगी थोड़ी देर के लिए, अभी से बता रही हूँ। बेटा ये यास्मीन का घर है ना? जी। बेटा उनसे जाके कहो नायला आएंगे। मैं भी बता दूं। अम्मी ये शकील सर, यास्मीन आंटी, उनका घर है ये जो मेरे बॉस हैं। आपको पक्का सही लोकेशन भेजी थी यास्मीन आंटी ने? हाँ बेटा, मुझे यास्मीन ने यही लोकेशन, ये देखो चेक कर, ये देखो लोकेशन तो यही बता रही है, लेकिन फिर भी एक दफा कॉल करके पूछना है ना। मैं करती हूँ, चलो देखते हैं ना। आजो आजो, चलो चलो, ठीक है हम आ रहे हैं। क्या कह रही हैं? बेटा वो यास्मीन कह रही यही घर है, उसने हमें सीसी कैमरे में देख लिया है, वो इंतजार कर रही है। आओ ना, आज आज आज। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नायला, तुम बताओ तुम कैसे? इतने अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। हाँ आशा बेटा, तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अम्मी ये तो शकील सर की वाइफ यास्मीन आंटी है। की वाली यास्मीन आंटी कहाँ है? अरे यही तो मेरी दोस्त है बचपन की, यास्मीन। क्या ये आयशा? मेरी बेटी है। माशाल्लाह नायला, ये कितना हसीन इत्तफाक है, इससे तो मैं बहुत बार मिल चुके हैं। क्यों आयशा? दुनिया बहुत छोटी आंटी, सही कह रही हैं आप। चलो हो ना बैठो, खड़े खड़े यही बातें करेंगे हम। अच्छा आयशा बेटा क्यों खड़ी है, आओ आओ ना बेटा, सुरैया चाय का इंतजाम करो। माशाल्लाह घर तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। आप अभी जाके ताईजान से बात करें, उनको बताएं कि मैं आयशा को नहीं जबेरिया को पसंद करता हूँ। तुम्हारी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है। मेरी वजह से? मैंने आपको कहा था आयशा का रिश्ता मांगे। तो तुमने कौन सा जबेरिया का नाम लिया? अब मुझे क्या पता कि तुम बड़ी बहन की जगह छोटी की बात कर रहे हो। मैं तो यही समझी कि तुम आयशा के लिए कह रहे हो। अम्मी कैसे समझ सकती हैं आप जानती है ना आयशा की और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। उसकी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कैसे ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकता हूं? चुप कर जाओ एहतिशाम, फजूल बातें मत करो मेरे साथ। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। कुछ नहीं होगा, आप ताईजान से जाकर बात करें, उनको बताएं कि आपको आयशा का नहीं जबेरिया का रिश्ता चाहिए। कितनी आसानी से तुमने यह बात कर दी एहतिशाम, तुम्हें पता आज ही आसिफ भाई मुझसे तुम्हारी मंगनी के लिए बात कर रहे थे, कह रहे थे बच्चों की कोई रस्म कर लेते हैं। हाँ तो अम्मी रस्म कर लेते हैं ना, सिर्फ फर्क ये होगा कि आयशा की बजाय जवेरिया होगी। एहतिशाम आयशा जवेरिया से ज्यादा समझदार, हर लिहाज से तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगी। पहले मुझे भी आयशा के हिजाब से मसला था,
मगर वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बीवी साबित होगी तुम्हारे लिए, यकीन करो मेरी बात का। अम्मी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? अरे मुझे आयशा के हिजाब से कोई मसला नहीं है, मैं जवेरिया को पसंद करता हूँ, जवेरिया को। और ये बात मैं आपको पहली और आखिरी बार बता रहा हूं। अल्लाह क्या होगा। रायान भाई ना के सिर्फ इस डूबती हुई कश्ती को छोड़ गए हैं, बल्कि उसमें छेद कर गए हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुनने में आया है कोई नया मुर्गा फांसा है तुमने? कब ले रही हो फैसला तलाक? बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंधेरी की? एक पैगाम देने आया हूँ, पैगाम दे के चला जाऊंगा। हरीम को कोई और मिल गया, उसे तुमसे तलाक चाहिए। आयशा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमसे इतनी करीबी ताल्लुकदारी निकल आएगी। जी सर आप ठीक कह रहे हैं, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। सर नहीं बेटा, आज से शकील साहब को तुम अंकल कहोगे। नाइला और मेरा ताल्लुक बहनों से बढ़कर है, इसलिए मैं तुम्हारी आंटी और शकील साहब तुम्हारे अंकल हो गए। ठीक है सर, आई एम सॉरी। ठीक है अंकल, ये हुई ना बात। सुरैया जा जाकर खाने का बंदोबस्त करो। और हाँ, खाने में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी नायला पहली बार मेरे घर आई है। यास्मीन तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, ये रहूंगी ना, खाना खाएंगे। चुपचाप बैठी रहो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। जाओ सुरैया, जाके खाने का बंदोबस्त करो। नायला एक बात कहूं मैं आपसे, जब से आप दोनों की मुलाकात हुई है तब से इस घर में नायला, नायला का जिक्र, नायला की बातें बस यही सुन रहे हैं। मैं तो खुद शकील भाई यास्मीन का चेहरा देखने के लिए तरस गई थी। हर नमाज में बस अल्लाह से यही दुआ मांगती थी कि एक दफा मुझे मेरी जिंदगी में यास्मीन से मुलाकात करवा दे। तो देख ले मुलाकात हो गई। चले दोनों बहनें मिल बैठी हैं, गप्पे लगाए, मैं जरा एक जरूरी फोन करके आता हूँ। जी बताए। शकील साहब मुझे कहते हैं कि अच्छा हुआ 20 साल से तुम्हें नायला नहीं मिली, वरना नायला का नाम सुन सुनकर मैं तो पक जाता और पागल हो जाता, और मैं भी नायला नायला पुकारता। और तुम्हें पता है आसिफ भी यही कहते हैं, जितना जिक्र तुम हर वक्त यास्मीन का करती हो ना, कभी तुमने जिंदगी में मेरा इतना जिक्र नहीं किया। आंटी मुझे नमाज पढ़नी थी, जगह बता दीजिए। बेटा नमाज में तो काफी टाइम है ना, घर जाके पढ़ लेना। अम्मी आपको पता है ना आजकल ट्रैफिक कितना होता है, ये ना मेरी नमाज कजा हो जाए, प्लीज पढ़ने दीजिए मुझे अभी। तुम चुप करके बैठो, खाना खाए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आशा बेटे यही नमाज पढ़ो। सुरैया सुरैया बेटा बात सुनो, इधर आओ। आयशा को नमाज पढ़नी, साथ ले जाओ। मैं अभी आती। नायना सच में तुमने आयशा की बहुत अच्छी तरबियत की है। आयशा को जब जब देखती हूँ मेरे दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला मुझे आयशा जैसी बहू दे। आमीन सुमा आमीन, अल्लाह सब बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। अच्छा तुम बताओ, गेस्ट आया हुआ है हमारे घर? पता नहीं कौन है। चलो सुनिए मुझे ये बताओ कि आज के प्लान्स क्या हैं।
कौन है? तुम यहां क्या कर रही हो? मैं नमाज पढ़ने आई थी। मेरी समझ में नहीं आता कि ऑफिस के बाद तुम घर क्यों आ जाती हो। इससे पहले तो कोई वर्कर हमारे घर इतना नहीं आया जितना तुम्हारा आना जाना लगा रहता है। मैं और अम्मी, मेरी बात सुनो। तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए अस्वत का ही कमरा मिला था, कहीं और भी पढ़ सकती थी, इतनी जगह है। और ऐसा क्या काम पड़ गया था कि तुम ऑफिस में नहीं कह सकती थी और तुम्हें उसके लिए घर आना पड़ा? आयशा बेटी, पढ़ ली नमाज? जी आंटी। क्या कहा तुमने ताई अम्मी को? आंटी? आंटी नहीं, मैडम। मैडम कहो इन्हें। अनुषी, बेटे आयशा मेरी दोस्त नायला की बेटी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। क्या? हाँ बेटा, आयशा जब मुझसे पहली बार मिली थी मुझे अपनी सी लगी थी, और मेरे दिल ने तभी गवाही दी थी कि आयशा का और मेरा कोई गहरा रिश्ता है। चलाओ बेटा, आ जाओ। चलो, नई रिश्तेदारी जाग गई। छोड़ो उसकी बात। जवेरिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, अभी नहीं, अभी बाद में बात करेंगे। अभी मुझ पे बहुत स्ट्रेस है, पता है? सारे मैथ के सवाल एक जो मैंने ठीक किया और सारे गलत हो रहे हैं, किसी का नहीं आंसर आ रहा। मैथ्स में बहुत इजी होता है, तुम जानती हो ना मैथ्स में कितना अच्छा। अरे हाँ, आपका मैथ तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं भूल ही गई। तो लाओ, मैं समझा देता हूँ। Really? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, मैं समझा देता हूँ। Okay. दिखाओ। ये वाला? जी जी। ओके, तो ये देखो, ये है 2। आंसर। कमाल, आपने तो मुझे इतना इजी मेथड सिखा दिया, अब तो आप फंस गए। अब आप ही मुझे मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑफिस से आने के बाद तुम्हें पढ़ा दिया, और अगर किसी और सब्जेक्ट में भी तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। क्या बात है भाई, आज तो बड़ा मेहरबान हो रहे हैं आप मुझ पे। मोहब्बत में तो इंसान बहुत कुछ कर। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब तो हमारा रिश्ता ही बदलने वाला, आपकी साली बनने वाली हूँ। और वो कहते हैं ना, इंसान किसी की बात सुने ना सुने, साली की तो सुननी पड़ती है। जवेरिया, दरअसल अम्मी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सच्ची से तो दिन में हजार गलतियां होती हैं, आप कौन सी गलती की बात कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैंने अम्मी को हमारे लिए क्या कर लिया महानूर तुमने, कब से बाहर खेल रही हो, मना भी किया था ना, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। अभी मुझे बहुत दर्द हो रही है। अम्मी भी नहीं है, पता है मुझ पे नाराज होंगी। चलो बंदर, क्या करती हो, चप्पल पहनी या नहीं पहनी? छवेरिया को कैसे बताऊं? नायला, तुमने बहुत तकल्लुफ किया, मैं देख रही थी, बहुत कम खाया था। सच, तुमने खामखा में इतना तकल्लुफ किया, इतना मजे का खाना था, बहुत मजा आया। तकल्लुफ की क्या बात है,
मेरी बहन पहली मर्तबा मेरे घर आई और मैं खाना खिलाए बगैर उसे जाने दूं, ये कैसे हो सकता है? यास्मीन, तुम्हें कॉलेज के दिन याद है जब तुम्हारे घर में शामी कबाब बनते थे और तुम मेरे लिए स्पेशली कॉलेज लेकर आती थी, है ना? मैं भी सब बहुत मिस करती हूँ, लेकिन नायला गुजरा वक्त कभी दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल, बड़े हो गए हम लोग। अच्छा चलो, मुझे इजाजत दो, बहुत देर हो गई है। ऐसे इजाजत दो? अभी तुम चाय पियोगी मेरे साथ बैठकर, और बहुत सारी बातें अभी भी करना बाकी है। चलो आओ, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके। अच्छा बेटा, ठीक है। सुरैया, अच्छी सी चाय बनाकर लाओ सबके लिए, आ जाओ। आयशा आओ बेटा। सुनो, अनुषे जी। बेटा आयशा को ले जाओ, अपना घर दिखाओ। इतनी मर्तबा ये पहले भी आई है, हमने अपना घर ही नहीं दिखाया इसे। साथ ले जाओ इसे। जाओ बेटा आयशा। जी चले घर देखने। एक मिनट। हेलो जी। नायला, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके बारे में सोचना जरूर। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस कमी है तो एक बेटी की। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आयशा को बहू नहीं, हमेशा बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने जब आयशा को पहली बार देखा था तो उसको देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश जागे थे, काश इस लड़की को मैं अपनी बहू बना सकती। मुझे क्या मालूम था अल्लाह ताला ने मेरी इस दुआ को इस तरह से कबूल करना। मगर यास्मीन, अगर मगर कुछ नहीं। देखो नायला, मुझे किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है, तुम वक्त ले लो, आसिफ भाई से जाकर घर मशवरा कर लो और आयशा से भी पूछ लो। मेरा दिल कहता है किसी को कोई एतराज नहीं होगा। यास्मीन तुम बहुत अच्छी हो, शकील भाई बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह से तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। लेकिन बात दरअसल यह है कि मैंने आयशा का रिश्ता अपनी देवरानी के बेटे से तय कर दिया है। सच अगर तुम मुझे पहले मिली भी होती ना, तो मैं तुम्हारी इस बात को कभी भी इनकार ना करती। गार्डन यहाँ से कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। नहीं, से नेचर की बात ही कुछ और है। इंसान कुछ भी बना ले ना, अल्लाह की बनाई हुई चीज की खूबसूरती ही अलग है। तुम्हें तो ये घर बहुत खूबसूरत लगा होगा, है ना आयशा? मुझे तो पता ही नहीं था कि घर अंदर से इतना खूबसूरत डेकोरेट हुआ होगा। Obviously, आज से पहले तुमने कहाँ देखा होगा इतना बड़ा घर। तुम्हारे घर इतना बड़ा लॉन तो नहीं होगा। सुन ले सदा।